ये हमारे जो चाचा है ये एक्सपीरियंस होल्ड है होटल के तक, और सबसे आपको ये ख़ास बात हमारी होटल में ये मिलेंगी, हमारे पास जो भी चीज़ खाएंगे आपको कोई साइड इफेक्ट ना होगा इससे, और कोई हाइजेनिक रहेंगे हमारे पास, और जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते जैसा हम घर में इस्तेमाल करते वो मटेरियल इस्तेमाल, लोकल कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, चाहे मटन रहिए चिकन रहिए कोई भी चीज़ हम लोग बिल्कुल फ्रेश मंगाएंगे और फ्रेश आप लोगों को सर्व करेंगे। और हमारे पास स्पेशल ये चीज़ है कि हमारी चाय बहुत मशहूर है, हमारी पुरानी होटल माय फ्रेंड दूधबोली पे थी, अभी और आगे ये अल सफीना हमारा पहला नया ब्रांच है, हमारा अल सफीना पान शॉप है जहाँ के हम लोग ओनर्स है, अब होटल भी है हमारी वहाँ के, जो हमारा पान शॉप है वो हम लोग का ओनर्स है हम लोग वहाँ के। ओके, तो ये हम लोग का मतलब फैमिली बिजनेस है, होटल्स और पान शॉप का हमारा फैमिली बिजनेस है। ओके सर, पर एरिया है ये जहाँ पर हमारा फर्स्ट ब्रांच खुला है, अभी हमारे पास 30 दिसंबर को शाह दरबार होटल हमारी शमशीरगंज पे और एक ओपन होने वाली है जहाँ पर बीफ का रहेगा, मगर यहाँ पर हम लोग मटन मेंटेन करेंगे, और यहाँ पर कोई भी कोच अपने इसके बारे में सोचने का नहीं है, बिल्कुल हाइजेनिक रहेंगे हमारे पास। आप लोग आइए, हम आपको एक बार अपने खिदमत का मौका दीजिए इंशाल्लाह। हमारे पास खाने में खास आइटम देखिए, सुबह में पूरी रहेंगी और खिचड़ी खट्टा खीमा रहेगा, जो मटन का रहेगा खीमा हमारे पास, और लुखमी रहेंगी जो हमारी स्पेशल है हमारी लुखमी, और एक खजूर बन के आता जिसको लोग यहाँ पर लॉस के उससे पहचानते हैं, वो भी हमारा बहुत स्पेशल आइटम रहेगा, ये आपको स्नैक में रहेगा। और आपको दोपहर के टाइम पे बिरयानी रहेंगी, स्पेशल बिरयानी मटन बिरयानी चिकन बिरयानी ज़ाफ़रानी बिरयानी रहेंगी, और अपने चिकन चाइनीज़ आइटम में भी स्पेशल हम लोग कुक्स को अरेंज करे हुए, वो लोग का हम लोग अपने ट्रायल भी लिए हुए, बहुत बेहतरीन टेस्ट है हमारे में। और चाय हमारी स्पेशल रहेंगी, और चाय का ये रहेगा कि अगर फंक्शंस में किसको भी ऑर्डर करना है तो सरवर शाह से, इमरान शाह से, अबूत अब्दुलरहमान से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कैटरिंग का भी रहेगा, अगर आप कैटरिंग के यहाँ से भी रहेंगे तो हम लोग उसके यहाँ से भी अरेंज करेंगे। हाँ, जो अंबरपेट के MLA साहब है बाला वेंकटेश साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है कि वो हम अपना कीमती वक्त निकाल कर आकर, मैं हमारे एरिया MLA साहब के वेंकटेश साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे इनॉग्रेशन में आकर हमारे दुआ भी दिए, और वो हमारे को बेस्ट